रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने रांची में भी इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया है। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से मात दे दी है। पहले टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त पलटवार करते हुए मौजूदा टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज को 1 मैच बाकी रहते ही जीत लिया और 3-1 से अजेय बरहत बना ली। 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 7 से 11 मार्च तक धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को रांची टेस्ट मैच जीतने के लिए चौथी पारी में 192 रनों का टारगेट मिला था। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कोई अनहोनी नहीं होने दी और 61 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया ने इस तरह रांची टेस्ट के चौथे दिन ही अंग्रेज़ों को पटखनी दे दी। भारतीय टीम के लिए दूसरी पारी में शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा नाबाद 52 रन बनाए। इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने नाबाद 39 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर ने 3 विकेट लिए। जो रूट और टॉम हार्टले ने 1-1 विकेट झटके। बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया को इस मैच में जीत के लिए 192 रनों का टारगेट मिला। दूसरी पारी में जैक क्रोली ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा 60 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला है। भारत की पहली पारी 307 रनों पर सिमट गई थी। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर भारत के खिलाफ 46 रनों की बढ़त हासिल हुई। भारतीय टीम के लिए पहली पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 90 रनों की पारी खेली। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने 73 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट झटके। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन पर समाप्त हुई थी। जो रूट ने नाबाद 122 रन बनाए थे। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में सबसे ज़्यादा 4 विकेट हासिल किए।